अब बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। कैमरे में तो मैं फिर भी थोड़ी सी अच्छी दिख रही हूँ, बट डल ड्राई हो चुका है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बहुत। आई होप डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इस ठंड में सब कोई सेफ है। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है यहाँ US में, तो इतना ज़्यादा ठंड है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। हमेशा माइनस में ही टेम्परेचर रह रहा है, यहाँ पर बाहर निकलना ही बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, इतना ज़्यादा ठंड है और स्नोफॉल भी वैसा ही हो रहा है। और हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सारे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो बिना स्नोफॉल के ही इतना ज़्यादा ठंड है। तो बात वही है कि ठंड दोनों जगह ही बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस ठंड में गर्मा गर्म नाश्ते का मज़ा उठाते हैं और दिखाती हूँ मैं कि आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया है। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही थी कटहल की सब्ज़ी, कटहल और नहीं बस कटहल की सब्ज़ी है और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इसके साथ ही मैं बनाऊंगी यहाँ पर पूरी, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो अभी पूरी पराठा क्या बोल रही हूँ मैं, पूरी पराठा यही सारी चीज़ें अभी घर में बनती रहती है। सर्दियों में तो पराठे ही बनते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से तो मन किया आज मेरा कि मैं कटहल की ग्रेवी वाली स्पाइसी वाली बिल्कुल चटपटी सी सब्ज़ी खाऊं। और इसके साथ ही मैंने पूरी बनाया है क्योंकि पूरी खाने का मेरा मन हो रहा था, तो इस वजह से। तो कटहल की सब्ज़ी मैं इस तरीके से कुकर में बना रही हूँ। पहले मैंने कटहल को बॉईल किया था, उसके बाद मैंने कटहल को फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मसाले रेडी कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, सबको अच्छे से डाल के मैंने मिक्स किया है एंड देन इस तरीके से मैंने कुकर में ही बना दिया है। तो कुकर में भी बनाने से बहुत अच्छे से गल भी जाता है और बहुत मतलब थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना बिल्कुल इस तरीके से बनाने से आपको ऐसा लगेगा ना देखने से दो पल के लिए कि कहीं ये चिकन तो नहीं है, बट नहीं, ये पूरा का पूरा प्योर वेज खाना यहाँ पर बन रहा है। चिकन विकन नहीं है, ये बिल्कुल कटहल की सब्ज़ी है, प्योर वेज। तो आप बस देखते जाइए कि एंड में इसका जो लुक आएगा ना वो आप देखिएगा कैसा आएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर कटहल में सीटी भी मैंने लगा दिया है। साइड में मैं यहाँ पर तल रही हूँ पूड़ी और आज सब कोई घर में ही है तो इस वजह से पूड़ी सब्ज़ी ये सारी चीज़ें बन रही है ब्रेकफास्ट में। तो चलिए फटाफट से पूड़ी भी मैंने तल ली, सब्ज़ी भी यहाँ पर रेडी है। बस थोड़ा सा सब्ज़ी में जैसे ही सीटी सारी हवा निकल जाए वैसे ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता एंड देन यहाँ पर रेडी है हमारी सब्ज़ी भी। अब इंजॉय करेंगे हम अपना नाश्ता, तो चलिए फटाफट से सर्व करते हैं। ये रही कटहल की सब्ज़ी और देखने से ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये चिकन विकन है, बट नहीं, ये सब्ज़ी है कटहल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं नाश्ता वास्ता करके सोचा थोड़ा सा वॉक पे निकलती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड अभी रह रही है ना कि वॉक हो ही नहीं पा रहा है, मैं वॉक कर ही नहीं पा रही हूँ। बट आज मैंने सोचा, आज वेदर थोड़ा ठीक है, आज का टेम्परेचर है 4 डिग्री, तो मैंने सोचा चलो वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो निकली हूँ मैं थोड़ा सा बाहर और बस 30 to 45 मिनट वॉक करने के बाद, मतलब अपार्टमेंट के अंदर ही मैं वॉक कर रही हूँ, बाहर नहीं हूँ, अंदर ही हूँ। इसके बाद चलेंगे वापस घर। ठंड है ना कि पूरा स्किन वगैरह ना पूरा एकदम ड्राई हो चुका है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसा हो चुका है पूरा, ऐसा ऐसा ड्राई ड्राई, टेम्परेचर माइनस में ही रह रहा है इस वजह से। और स्किन की तो पूरी हालत ख़राब है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। कैमरे में तो मैं फिर भी थोड़ी सी अच्छी दिख रही हूँ, बट ये सब बहुत ज़्यादा डल ड्राई हो चुका है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, और स्किन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई होप डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी मैं ठीक कर लूँ इन सारी चीज़ों को। तो अभी तो कुछ अप्लाई भी नहीं कर सकती, मतलब कुछ करती नहीं हूँ मैं, ये कहने का मतलब था मेरा। तो बस वॉक करते हैं और चलते हैं वापस घर, ये है हमारा अपार्टमेंट। तो बस वॉक करके चलते हैं घर, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और घर आने के बाद मैंने यहाँ पर बनाया लस्सी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लस्सी पीने का मन कर रहा था और मैं इस तरीके से थोड़ी सी ना पतली वाली ही लस्सी बनाती हूँ। तो बस ये बनाया है मैंने लस्सी और इसको एंजॉय किया। इसके बाद श्रेयांस करने लगे ज़िद, इन्हें जाना है स्काई जोन। तो जैसा कि मैंने आपने आपको बताया हुआ है कि श्रेयांस को डेली जाना होता है स्काई जोन, उसे बहुत मज़ा आता है, बिना एक दिन भी एब्सेंट किए उसको जाना ही है। तो
शाम को हम वापस आए तो हमें लगी थी हल्की फुल्की भूख, तो हमने सोचा कि चलो फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से पोहा यानी कि चूड़ा। और इसको मैंने मटर के साथ आज फ्राई किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डलती है और ये ना मेरी हस्बैंड का फेवरेट नाश्ता है, शाम का नाश्ता, तो हर दूसरे दिन ये मुझे बनाना ही पड़ता है क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ भी पूछो क्या बनाना है, चूड़ा भूज दो, पोहा भूज दो, तो बस ये वही बन रहा है। इसके साथ ही चाय के साथ हमने एंजॉय किया और बस आज के ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आई नो बहुत छोटी सी ब्लॉग है बट क्या करूँ, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। जल्दी मिलूँगी मैं आपसे दूसरी वीडियो में।